मन सबकी उत्पत्ति होती है। मननाथ तारयेत यस्तु स मंत्र परिकीर्तिता, जिसके मनन से, मनन माने क्या, मन में सोचना, मन में बार बार सोचना, रेगुलर रिपीटेशन इन माइंड, उसको कहते हैं मनन। तो जिसके मनन से त्राण का रास्ता मिल जाता है या त्राण मिल जाता है, उसको मन त्रा कहते हैं। त्राण क्या है? जब मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख में, क्लेश में, जब वो क्लेश हट जाता है, उसको त्राण कहते हैं। त्राण का जो माने दुख से लोगों को बचाना। तो जिस शब्द के मनन से त्राण मिलता है वही मंत्र। अब देखा जाए त्राण भी किस तरह के हैं और कितने प्रकार के त्राण होते हैं। एक तो है, मान लो कोई मनुष्य है जिसको इनको अन्न नहीं मिला तो दुख में है, तो तुम अन्न दियो तो त्राण कार्य हुआ। मगर आज तो तुम अन्य दियो, त्राण कार्य दियो, काल तो फिर से भूख लगेगी, फिर काल दियो, फिर परसों भी तो भूख लगेगी, इसका तो अंत नहीं है। तो जिस त्राण कार्य से सामयिक शून्य वृत्ति होती है, सामयिक रूप से भूख मिटती है, उसको त्राण कहेंगे। और जिस कार्य से स्थायी रूप से क्लेश दूर होता है, भूख दूर होती है, उसको कहेंगे परित्राण। त्राण में परित्राण।